हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर. स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आल्सो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक. वन बाय वन वी विल डिस्कस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. यस स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड हो, यानी जिन इनमें जो भी इंडस्ट्री जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होना चाहिए. अच्छा, अब इसमें हमारी सबसे पहले आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. लेकिन बात ये आती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती क्या है. क्वेश्चन ये पहले समझना है, टेक्सटाइल हम किसको कहते हैं. तो टेक्सटाइल का मतलब होता है स्टूडेंट वस्त्र उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग कह सकते हैं हम. कंसर्न विद द डिज़ाइन, इसमें डिज़ाइन भी आता है, उनका प्रोडक्शन भी आता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्न एंड क्लॉथ सब कुछ, इसको हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टूडेंट, इसके बारे में हम पहले बता देते हैं. इट अकुपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा यूनिक पोजीशन अगर किसी इंडस्ट्री की है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा पुरानी है, ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाई थी सूरत वगैरह में, तो इसलिए. और सेकंड थिंग, इससे जो जीडीपी में टोटल जीडीपी में इंक्रीमेंट होता है या इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इंडिया की, वो 4% है अपना अकेला टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. इसलिए ये एक यूनिक पोजीशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में. ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, अगर पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 14% है. और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करती है हमारी पॉपुलेशन के लिए, तो 35 मिलियन% डायरेक्टली जो एम्प्लॉयड हैं वो कहाँ पर, कौन सी इंडस्ट्री में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ही है. इसीलिए इसकी यूनिक पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में. इसके अलावा इसका नंबर किसके बाद आता है, सेकंड नंबर पर है आफ्टर एग्रीकल्चर. यानी एग्रीकल्चर में हमारी जितनी पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर देखें तो वो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही नंबर है, जो हमारी पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली 35 मिलियन% को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देता है. साथ में टोटल कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर देखें तो इसका 14% है. और फॉरेन एक्सचेंज में अगर इसकी, इससे हमारी जो अर्निंग होती है वो देखें तो 24.6% है. और अगर हम इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखें इंडिया की तो 4% है. इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनिक पोजीशन है. डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी. तो आप सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट्स लिख देंगे. ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं. आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन सफिशियंट है इसमें, और 3 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चन नहीं आता है. तो आप सबसे पहले तो यही लिखेंगे, इट अकुपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. बिकॉज लगा करके अपने पॉइंट्स लिखेंगे. कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 14%, इट लगा दीजिएगा स्टार्टिंग में अपने पास से. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर देखें तो 35 मिलियन% डायरेक्टली, और सेकंड है आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो 24.6% इसका फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलता है. और कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ इंडिया देखें तो 4% इसका खुद का कंट्रीब्यूशन है. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमें वन बाय वन देखना है. फर्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल, जिसमें कॉटन बनता है या कॉटन के प्रोडक्ट बनते हैं, कॉटन से प्रोडक्ट बनते हैं. और सेकंड इज जूट टेक्सटाइल, जिससे जूट से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कैरी बैग्स हैं हमारे, ठीक है, बोरे हैं हमारे, या हमारी कारपेट्स हैं, या हमारी रोप्स हैं, ठीक. तो ये सारी चीज़ें जूट से बनती हैं. और कॉटन से कॉटन यानी कि कॉटन के कपड़े बनते हैं, कॉटन की बेडशीट्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी कॉटन से बनती हैं, ठीक. तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा यूनिक पोजिशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में. इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम फर्स्ट देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में और सेकंड देखेंगे हम जूट टेक्सटाइल के बारे में.
अगर कॉटन टेक्सटाइल की हम बात करें तो इन एंशियंट इंडिया हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स वर यूज्ड। पुराने ज़माने में अगर हम बात करें तो क्या यूज़ होता था, हैंड से स्पिनिंग की जाती थी एंड हैंडलूम वीविंग की जाती थी, यानी कि जो बुनाई का काम है वो हैंडलूम्स में किया जाता था, हैंडलूम्स टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो पावर लूम्स यूज़ किए जाने लगे हैं। कब से किए जाने लगे हैं, इन 18th सेंचुरी में पावर लूम हमारी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए बाय ब्रिटिशर्स, और यहाँ पर पावर लूम का यूज़ किया जाने लगा, और पावर लूम पावर से जो लूम है वो चलने लगे और काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, जिससे प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट हुआ। अगर फेमस स्टेट्स की बात करें स्टूडेंट, तो फेमस स्टेट्स हैं हमारी महाराष्ट्र एंड गुजरात, जहाँ पर कॉटन की मिल बहुत ज़्यादा हैं, कॉटन की टेक्सटाइल्स बहुत ही ज़्यादा हैं, यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये फेमस स्टेट्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के लिए। इंडियन कॉटन जो है स्टूडेंट वो फेमस है मैनी कंट्रीज़ में, यानी कि हमारे यहाँ से कॉटन का एक्सपोर्टेशन किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में भी। और फर्स्ट कॉटन मिल की अगर बात करें तो इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई 1854 में मुंबई में पहली कॉटन मिल बनी थी। अब नेक्स्ट वन है हमारा जूट टेक्सटाइल स्टूडेंट, तो जूट टेक्सटाइल को देख लेते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, यानी कच्ची जूट के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, इंडिया में होता है। फेमस स्टेट की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में। अब यहीं पर क्यों ज़्यादा होता है, तो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में वाटर बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो पाता है, क्योंकि जूट के पौधों के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक, इसीलिए वेस्ट बंगाल फेमस है जूट के प्रोडक्शन में। इसके अलावा देयर वर 80 जूट्स मिल इन इंडिया 2010 to 11, 10 और 11 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो तकरीबन इंडिया में 80 जूट की मिल्स थी। फर्स्ट जूट मिल की अगर हम बात करें तो सेटअप इन 1859 में पहली जूट मिल बनी थी। और क्यों है वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, तो यहाँ पर एक तो मैंने आपको पहला बताया कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा वाटर वेज नेटवर्क है, यानी कि जिससे कि पानी के जहाज़ों में ये वहाँ से कोलकाता में आराम से इसको भरा जाता है, लोड किया जाता है और दूसरी कंट्रीज़ में इनको भेज दिया जाता है। इसके अलावा चीप लेबर वहाँ पर अवेलेबल है, सस्ते दामों पर मजदूर अवेलेबल हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ये वजह है कि यहाँ पर जूट के प्रोडक्शन में लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। रॉ मटेरियल फॉर द मिल्स, दीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट मटेरियल इन हुगली बेसिन। हुगली बेसिन में जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में कच्ची या रॉ जूट भी अवेलेबल है, बहुत चीप लेबर भी अवेलेबल है और वाटर वेज नेटवर्क भी अवेलेबल है, जिससे कि जूट के जो प्रोडक्शन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हमें के रूप में हमको कहीं भेजना हो, एक्सपोर्ट करना हो, या फिर उससे जो भी चीज़ें बना करके हमें फिनिश्ड गुड्स दूसरी कंट्रीज़ में भेजना हो, तो बहुत ही आसानी से वहाँ से लोड करके उसको भेजा जा सकता है। तो यही वजह है कि हमारा वेस्ट बंगाल या हुगली बेसिन में जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा स्टूडेंट, आफ्टर पार्टीशन इन 1947, यानी 1947 में जब पार्टीशन हुआ, 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ और उसी के बाद क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, और जो बांग्लादेश है वो भी तब पाकिस्तान में ही था, लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हो चुका है और एक न्यू कंट्री बन चुका है। तो आफ्टर पार्टीशन इन 1947 जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया, बट रिमेन तो रही इंडिया में भी जूट की मिल्स, बट जो 3/4 ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो कहाँ चला गया, वेंट टू बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की साइड चला गया, इसलिए बांग्लादेश में भी जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आज की डेट में बांग्लादेश है, लेकिन हम जब पार्टीशन हुआ था 1947 में तब हम उसको पाकिस्तान ही कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए बांग्लादेश सटा हुआ है बिल्कुल हमारे किससे, वेस्ट बंगाल से, सो दैट हमारी इंडिया में भी
जूट की मिल्स हैं, और 3/4 part जो है वो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का वो किधर है, बांग्लादेश में है, क्योंकि उस टाइम पर जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो सारा का सारा इंडिया में ही था, और पार्टीशन के बाद ये कुछ एरिया जो है 3/4 area जो है वो बांग्लादेश में चला गया। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस कर रही हैं। वो कौन कौन से? एक तो इरेटिक पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रोडक्शन में कमी आई है। सेकंड, अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी जो पुरानी लगी हुई है उनका अपग्रेडेशन होना है, और अपग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। ये वजह भी है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है मशीन का अपग्रेडेशन, इसलिए प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसके अलावा लो आउटपुट ऑफ लेबर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और लास्ट वन है स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, यानी सिंथेटिक मटेरियल्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे हैं, लाइक पॉलिस्टर, रेयन, ठीक। तो ये वाले जो मटेरियल हैं ये सस्ते भी हैं कॉटन के मुकाबले में, इसी तरह से जूट के मुकाबले में प्लास्टिक के कैरी बैग्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जूट कॉस्टली है, इसलिए जो कॉम्पिटिशन है सिंथेटिक फाइबर से, इस वजह से भी जो जूट टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल है इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। ये महंगा है इसलिए लोग इसको ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, और इसके प्रोडक्शन में बहुत कमी आई है। तो ये चैलेंजेस ध्यान रखिएगा, 2-3 marks में ये चैलेंजेस आपसे पूछ सकता है, या MCQs में 3 challenge दे दे और कह दे, कोई एक दे दे कि नहीं है, नॉट करके क्वेश्चन बन जाता है निगेटिव फॉर्म में। तो स्टूडेंट चैलेंज याद रखिएगा, इरेटिक पावर सप्लाई, अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी, लो आउटपुट ऑफ लेबर, और स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। लास्ट जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही आता है टेक्सटाइल के अलावा, वो है हमारा शुगर इंडस्ट्री। शुगर की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के प्रोडक्शन में। और अगर हम गुड़ और खांड जो कच्ची शुगर होती है हमारी, खंडसारी भी बोलते हैं, इसके प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है। हमारा इंडिया शक्कर के उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, और कच्ची शक्कर खंडसारी जिसको बोलते हैं या गुड़, इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है। फेमस स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा यूपी, और यूपी के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। और पहली शुगर मिल की अगर हम बात करें तो 1903 यानी 1903 में ये सेटअप हुई थी पहली शुगर मिल। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है, 2 marks में क्वेश्चन 3 marks में बनेगा, तो आप ये 3 points बस लिख देंगे। स्टूडेंट अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें भी जिस तरह से हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, और उसके बाद शुगर इंडस्ट्री डिस्कस किया, इसी की तरह से हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में मिनरल पर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो 3 industries मैंने बताई वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।